हम दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं कि आज हम इस मुकाम पे आए हुए हमारा समस्या को एकजुट एक साथ होकर इसको हम प्रकट कर रहे हैं। हमारा आज समस्या अनेक है, लेकिन इसका हल इसका हुकूमत इसका सही से जिम्मेदारी से काम निभाता तो अब हमको इस जगह में नहीं आने पड़ता। हुकूमत अपनी काम सही से नहीं कर रही है। हम कल सुबह से शाम तक इस जगह में बैठे हैं, धरना दिए हैं, तो हम साहब के पास डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब तो हमको एक जगह से पूछे भी नहीं तुम यहाँ पर क्यों बैठे। हालांकि डीसी साहब सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, उनके ऊपर कोई नहीं है। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन दिस इंस्टीट्यूशन इज आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, बट ही इज नॉट बी सरप्राइज्ड टू नो आवर प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस इन दिस इंस्टीट्यूशन। व्हाई आर वी प्रोटेस्टिंग? ही इज फ्री, बट वन थिंग आई कैन से कॉन्फिडेंटली से, इफ आवर प्रोटेस्ट इफ वी कंटिन्यू टू स्ट्रगल इन दिस वे, श्योरली Vijay will resign. Sure, definitely Vijay will resign. मुझे आज एक बात याद आ रहा है, जब हमारा फादर ऑफ नेशन देश के जनक महात्मा गांधी बिना लाठी बिना गाली प्रोटेस्ट करके वो इंग्रेज को हटा दिए थे भारतवर्ष से। हम जब आपको पूछे आप यहाँ पे पुलिस क्यों लगे आए, आपने गुंडा क्यों लगे आए, कल सवाल है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहे थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बीजी साहब पूछ रहे थे, बीजी साहब आप यहाँ पे अपने गुंडा क्यों लगे आए। बीजी साहब जवाब दे रहे हैं, आई फील इनसिक्योर, आई फील इनसिक्योर, डू यू गुंडस ये आप तो हम मदद करेंगे, हम तो जब तक उसमें फील हुआ है। तो भीजी साहब आप हम लोग को कैसे फील करते हैं, गुंडे के तौर पर फील करते हैं, क्रिमिनल के तरह फील करते हैं, इसलिए आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप हमको स्टूडेंट के तरह देखते ही नहीं है, बल्कि आप हमको क्रिमिनल के तरह देखते हैं। हम तो यहां शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं अपना प्रॉब्लम लेके, लेकिन आप उसका कारण नहीं दे रहे। आज हमारा गार्ड हॉस्टल 3 महीनों में बन चुका है, कंप्लीटली डिस्मिस्ड, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द गार्ड हॉस्टल। हमारे बहने हमारे सहेलियां आती है दूर दूर से, कोई रहती है चिंगड़ी खाना तो कोई रहती है अरुणा मोई, कोई रहती है चिनार पर, कोई रहती है लौपाड़ा, और कैसा भी हॉस्टल में भी कई गाल सुनाई थी। हॉस्टल इतना बड़ा नहीं है कि सबको एक साथ जोड़े, तो वो जो आती है बात जो आते हैं उस जगह से 15 मिनट में एक बार, 20 मिनट में एक बार, बात की सो मच ऑफर कार्ड काम गेट कार्ड ऑन द बात। आई हैव सीन पर्सनल सीन टू दिस, द बात इज ओवर क्राउडेड एंड दे लेफ्ट नथिंग, दे कांट राइट ऑन द बात। अगर बस में और भी जाती है जो टेबलेट जो पैरेटॉन उनको होते हैं वो ही बता सकती है, गर्ल्स एक लड़की बता सकती है, हम नहीं बता सकते हैं। उनको धकेल दिया जाता है बस में, इट इज पब्लिक बस, और उन कोई बोल भी नहीं सकती है कि बस पूरा भीड़ में फंसा हुआ है। तो भीजी साहब आपको यह भी सोचना चाहिए कि वो इंसिक्योर नहीं फील करती है। 5 बजे 5:30 बजे क्लास खत्म होते हमारे लड़कियां हमारे बहनियां जब जाते हैं अपने घर शाम को 7:30 बजे 8 बजे, क्या उसको इंसिक्योर फील नहीं होता? तो फिर आप हॉस्टल क्यों नहीं देते उनको बताइए, हॉस्टल क्यों नहीं देते बताइए, बता क्या है आपका कि आपका कुछ पैसा खुद के मत रखना चाहते। ऋषि साहब
जब हम पढ़ते थे थर्ड ईयर के छोटे थे बच्चे थे जानते नहीं थे, हम अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर से लेकर पूरा आपके पास गए थे कि हमारे पास लैब नहीं है सर, हमारे पास लैब नहीं है। तो सर बोले तो देख लो सर इतना पिकुलियर इतना पिकुलियर, तो हम उसका खुद साक्षी है। सर कैसे पॉलिटिक्स करते हैं स्टूडेंट के साथ, सर तुरंत बोले अरे हम तो डेढ़ कोटी से डेढ़ करोड़ रुपया था, हम अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आदमी है, आप देख लो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देख लो, हम तो बोल रहे थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लैब का, सर बता रहे हमको हम केमिस्ट्री लैब ठीक किए। तो केमिस्ट्री वाला से अगर हम पूछे क्या भाई तुम्हारा लैब ठीक हुआ, बोला अभी तक नहीं हुआ भाई, यही हालत सर। दूसरी बात सर को ऊपर पूछा था सर ऐसा कितना दिन चलता रहेगा, जवाब भी मुझे याद है, तुम तो जानते हो तुम आर्यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम मैनोरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, फिर तुम एडमिशन क्यों ले रहे हो इस इंस्टीट्यूशन में। हमारा सवाल है सर आपसे, आप तो जानते हो आप एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी आलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, आप इस यूनिवर्सिटी का तरक्की करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए, अगर आप इसमें नाकाम है तो आप रिजाइन क्यों नहीं देते बताइए सर। आप रिजाइन क्यों नहीं देते साहब, ऋषि साहब आप तो हमारे प्रॉब्लम हमारे ग्रीवेंस को फेस करने के लिए आपके पास एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ फोन के बातचीत नहीं करने चाहते। आपका मुंह तो काला हुआ है, आपका मुंह काला हुआ है, एक भी आप क्लियर सोल्यूशन नहीं कर पाए हमारे प्रॉब्लम का। हमारे प्रॉब्लम यहाँ पे है 14 है, लेकिन आप एक भी नहीं कर पाए, सर माना चाहिए आपको क्या कर क्या है जी साहब। ये तो बात की बात है, कैंपसिंग तो बहुत बड़ी बात है, हम छोटी चीज में आते हैं, पीने का पानी बहुत छोटी चीज है, पीने का पानी हमारे पास एक हवा क्या उसका नाम पता नहीं, मैं इतना एजुकेटेड नहीं उसका नाम क्या पता नहीं, मेरे घर में भी नहीं है, फ्रिज जैसा है ठंडा पानी निकल जाए, फ्रिज जैसा है ठंडा पानी निकल जाए उससे, उस इससे पानी तो निकल जाए लेकिन पानी कहां से निकल जाए, उससे तालाब का पानी अच्छा है, बहुत अच्छा है तालाब का पानी, फुली पंजाब लिमिटेड वही आया हूं, पानी नहीं पी सकते हो बिल्कुल, अगर कोई भी तो हम चैलेंज कर सकते हैं, हम चैलेंज दावा कर सकते हैं कि आप कोई भी पानी पीने का लायक नहीं है, फुली पंजाब लिमिटेड वही आया अनदर थिंग। ऋषि साहब आपके लिए तो पानी आता है पैकेज वाटर, और हमारे लिए वो पानी जो तालाब का सिर खराब है, आपके लिए पैकेज वाटर आता है, पाकिस्तान के लिए ड्राम आता है, मिनरल वाटर आता है, और हमारे लिए कुछ नहीं। ऋषि साहब आपको तो जवाब देना पड़ेगा, आपका तो उम्र भी हो गया, हमारे पास अगर नहीं आप जवाब है तो अल्लाह का तब तुझे नहीं करना। ऋषि साहब अब अल्लाह ने सुबह नहीं मांगे हम तो आपका अपना पॉलिसी है, आपका गंदा हरकत है, आपका वो है, हम तो जानते नहीं, हम तो बच्चे हैं, आप हमको छुपा दे सकते हैं, आप हमको कवर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तो छुपा नहीं सकते, अल्लाह सिंह एवरीथिंग। ऋषि साहब हमारा तो ठीक है, हमारा तो मैसेज है, हम तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, खैर तो इलेक्ट्रिकल का तो लैब ही नहीं है, मैकेनिकल का तो लैब ही नहीं है, हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, हमारे पास कुछ भी मैसेज अगर चल जाएगा अपने लैपटॉप से निकाल कर लेंगे। 2 साल हो चुका है बिल्डिंग तो अच्छे से आप चला दिए हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, लैब कहाँ है, कहते हैं हम इंजीनियर बिना लैब के, कैसे इंजीनियर तो सब पता है, बाहर जाते हैं तो बोलने के लायक नहीं, कौन सा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, एक जादवपुर स्टूडेंट गर्व से बोलता है कि हम जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो भी ऑनर्स का स्टूडेंट अपना आयकर भाग खुला कर दिखाता है आई एम फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सो वन टाइम दे से प्राउडली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्मी यूनिवर्सिटी, वन टाइम दे से responsibility for this you. You said you have been recruited here for 3.5 years.
আন্দোলন করছি, ঠিক আছে, বাদ মেয়ে আয়েন, ধন্যবাদ।